हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से वेलकम आपका एक बहुत ही नई और कमाल की वीडियो में। तो अगर आप एक पीसी यूज़र हैं, यानी कि आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आपने एक चीज़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो कि है मदरबोर्ड। तो ऐसे में बात करें अगर मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का बेसिक सबसे मेन कॉम्पोनेंट। वो इसलिए क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है वो हमारे कंप्यूटर के सारे काम संभालता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारी जो रैम होती है वो भी इसमें लगी होती है, साथ ही रोम भी और साथ ही हार्ड डिस्क भी, सब कुछ इसी में लगी होती है। यहाँ तक कि हमारे पोर्ट्स भी मदरबोर्ड में ही होते हैं, यूएसबी पोर्ट, हेडफोन जैक, ये सब हमारे पोर्ट्स मदरबोर्ड में होते हैं। तो ऐसे में अगर आपका मदरबोर्ड अच्छा है तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका मदरबोर्ड अच्छा नहीं है तो आपका कंप्यूटर भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपके कंप्यूटर में कौन सा मदरबोर्ड है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा मदरबोर्ड है, तो आपको उस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस मेरी ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 8 है तो इसके लिए आपको अलग स्टेप लेने होंगे, और अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो अलग स्टेप लें। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 8 है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा मदरबोर्ड है। तो व्यूअर्स, आपके पीसी या फिर लैपटॉप में कौन सा मदरबोर्ड है, ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले विंडोज़ की प्लस एक्स, ये दोनों एक साथ टाइप करने हैं, विंडोज़ की प्लस एक्स। जैसे आप इसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा रन, रन पर आपको एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा और उसमें आपको टाइप करना है ओपन के सामने MS Info 32। ठीक ऐसे जैसे मैंने टाइप कर रखा है ऐसे ही आप भी टाइप कर दीजिएगा MS Info 32, और ओके पर एंटर कर देना है। तो जैसे आप ओके पर एंटर करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके मदरबोर्ड के बारे में यहाँ पर आ जाएगी, और आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये मेरे मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। तो बस ये तरीका था विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में अपने मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन निकालने का। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं विंडोज़ 7 यूज़र्स की। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास विंडोज़ 7 नहीं थी, जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता, और मुझे इंतज़ाम भी नहीं हो पाया मेरे पास विंडोज़ 7 का। लेकिन मैं आपको ओरली बता दूंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जो आप अपना मदरबोर्ड चेक कर पाएंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको जो विंडोज़ वाला आइकन होता है उसमें आपको ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है। ऑल प्रोग्राम में से आपको सिलेक्ट करनी है एसेसरीज, और एसेसरीज़ में से आपको जो इन्फो वो मिलेंगे ऑप्शंस, उसमें आपको सिलेक्ट करना है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल को आपको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से आप पता कर पाएंगे कि आपके कंप्यूटर में आखिर कौन सा मदरबोर्ड है। तो बस व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरी ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।